हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बची हुई लौकी की सब्जी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता वैसे तो आप सबने खाया होगा, लेकिन बची हुई सब्जी का आप कोफ्ता बना के देखें, बेहद स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। और जिसको भी लौकी पसंद नहीं है उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये लौकी की बची हुई सब्जी का बना हुआ कोफ्ता है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके का नाश्ता रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, आप वीडियो में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो फ्रेंड्स, रेसिपी की करते हैं शुरुआत। यहाँ पर मेरा बचा हुआ लौकी का सब्जी है, मैंने सूखा सब्जी बनाया था। आपके पास अगर रसे वाला सब्जी है लौकी का, तो आप क्या कीजिए, लौकी का जो रसा है वो छानने की सहायता से हटा लीजिए, छान लीजिए, और लौकी को ड्राई करके बाद में इस तरीके से पीसना है। तो जब मिक्सर जार में इसको पीसते हो तो इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, ओनली लौकी को ऐड करके पीस लेना है। आप इसको दरदरा पीसेंगे तो भी चलेगा। हमारा लौकी अच्छे से हमने पीस के रेडी कर लिया है। पिसा हुआ लौकी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 150 ग्राम बेसन, और इसके अंदर एक चम्मच ऐड किया है चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से हमारा कोफ्ता एकदम खस्ता बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी बनेगा, अंदर से सॉफ्ट बनेगा। चावल का आटा ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली थी, बारीक चॉप कर लिया था। 1 चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया है, इससे कोफ्ता टेस्टी बनता है। आधा चम्मच हमें ऐड करना है हींग। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे काला मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर। आपके पास अगर ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है तो ब्लैक पेपर को कूट लीजिए, अच्छे से पाउडर बना लीजिए दरदरा और ऐड कर सकते हो। और ढेर सारे हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स। इसे कोफ्ता हमारा एकदम लाजवाब बनने वाला है। अब हम पीस के रखा हुआ कोफ्ता ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 1 चम्मच ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, इससे चटपटा टेस्ट आएगा हमारे कोफ्ता का आमचूर पाउडर से। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के अंदर। अब हम बैटर के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि लौकी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, मॉइस्चर होता है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के अंदर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, इसी तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। अब हम करी पत्ता ऐड करेंगे, करी लीव्स बारीक चॉप करके, 8 से 10 करी लीव्स से बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। वापस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बच्चों को अगर लौकी नहीं पसंद है तो आप इस तरीके का कोफ्ता या कोई और नाश्ता बना के दीजिए, बच्चे ज़रूर खाएंगे। लौकी का इस तरीके का आप ऑमलेट भी बना सकते हो, ऑमलेट भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का सोडा ऐड करेंगे जो हम पकौड़ी वगैरह में ऐड करते, इससे कोफ्ता हमारा अंदर से भी अच्छे से फूलेंगे और जालीदार बनेंगे। सोडा को हमें अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से सोडा हमारा मिक्स हो चुका है। सोडा मिक्स करने से पहले आपको क्या करना है, गैस के ऊपर ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देना है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि सोडा ऐड करने के बाद बैटर को हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। तुरंत ही इसके कोफ्ता बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मेरा ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखिए, ऐड करते ही पकौड़े हमारे ऊपर आने लगे हैं कोफ्ता। आप छोटे बड़े जैसे भी कोफ्ता बनाना चाहते हो बना सकते हो, बहुत ही लाजवाब कोफ्ता बन के रेडी होने वाला है। आप इस तरीके का कोफ्ता ज़रूर बनाइए।
जिनको लौकी कद्दू पसंद नहीं हो उनको भी पसंद आ जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी का बना हुआ कोफ्ता है। झटपट बन के रेडी होता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है ये कोफ्ता। दोस्तों मैंने कोफ्ता को ठंडा करके बीच में से कट करके डबल फ्राई किया था ताकि इसका जो अंदर का कच्चापन होता है वो निकल जाए और सबको बेहद पसंद आए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए वीडियो को। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।